भारत ने दक्षिणी पेंगोंग में तैनाती बढ़ाई। पेंगोंग झील के उत्तरी ओर चीनी सेना की गतिविधियों पर भारतीय सेना की सीधी नज़र। चीनी अतिक्रमण का आक्रामक जवाब देने के लिए भारतीय सेना ने पेंगोंग झील के दक्षिणी किनारे की कई पहाड़ी चोटियों पर सामरिक हथियारों और साजो सामान के साथ सैन्य तैनाती बढ़ा दी है। पेंगोंग झील के उत्तर में फिंगर फोर के इलाके में चीनी सेना की हरकतों को थामने के लिए अग्रिम मोर्चे पर भारतीय सैनिक मुस्तैद हैं। इस बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर तनाव कम करने के लिए दोनों देशों के ब्रिगेड कमांडर स्तर की सैन्य वार्ता गुरुवार को भी हुई। पेंगोंग झील इलाके की दक्षिणी चोटियों पर मजबूती तैनात के कदम पर भारतीय सेना LAC के पार चीन के मोल्डो सैन्य बेस समेत कुछ अहम सामरिक पोस्ट पर सीधी निगरानी रख रही है। इसी वजह से बेचैन चीन इन इलाकों से भारतीय सैनिकों को हटाने के लिए बीते 12 दिन से लगातार प्रयास कर रहा है। सरकारी सूत्रों के अनुसार चीनी आक्रामकता को थामने के लिए भारतीय सेना ने पेंगोंग झील के दक्षिण की रणनीतिक रूप से अहम सभी चोटियों और पोस्ट पर तैनात सैनिकों की संख्या और बढ़ा दी है। चीनी सेना की चुनौतियों को आंकते हुए हथियारों और सामरिक संसाधनों की क्षमता में भी इजाफा किया गया है। इसी तरह उत्तरी पेंगोंग के फिंगर 4-8 के इलाके में डटे चीनी सैनिकों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए भी इस क्षेत्र के सभी अग्रिम मोर्चों पर भारत ने अपने सैनिकों और हथियारों की संख्या में बढ़ोतरी की है। यहाँ टैंक, मोर्टार और दूसरे हथियार भी तैनात किए गए हैं। सूत्रों ने बताया कि LAC पर मौजूदा हालात की गंभीरता को दोनों देश समझ रहे हैं और इसीलिए चुसूल में ब्रिगेड कमांडर और कमांडर स्तर पर गुरुवार को हुई सैन्य वार्ताओं में तनाव के बड़े पारे को नीचे लाने के कदमों पर बात हुई। वार्ता के नतीजे को लेकर अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। हालांकि भारत ने चीन को यह स्पष्ट संदेश दे दिया है कि LAC पर पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी PLA ने मौजूदा यथास्थिति को एक तरफा बदलने के लिए कोई हरकत की तो भारतीय सैनिक मुंह तोड़ जवाब देंगे। भारतीय सैनिकों ने अगस्त के आखिर में इस क्षेत्र में रणनीतिक रूप से सबसे अहम रेंजान ला और रेकिन ला के इलाके की महत्वपूर्ण चोटियों पर अपने सैनिकों को तैनात कर चीनी सेना को हतप्रभ कर दिया है। चीन ने 29 और 31 अगस्त को घुसपैठ की कोशिश की थी। 7 सितंबर की शाम 60 चीनी सैनिकों ने बरछी, भाले, रॉड और दूसरे धारदार हथियारों के साथ इन चोटियों से भारतीय सैनिकों को हटाने का प्रयास किया। चीनी सेना ने हवाई फायरिंग तक कर डाली, जो बीते 45 साल में ऐसी पहली घटना थी। भारतीय जवान इसके बाद से लगातार इन चोटियों पर अपनी सैन्य और रणनीतिक मोर्चेबंदी मजबूत की है। चीनी सेना को बेचैनी ज़्यादा है क्योंकि सर्दी के मौसम में इन इलाकों में 24 घंटे तैनाती ध्रुव है। भारतीय सैनिक जिस तैयारी के साथ अब इन चोटियों पर काबिज हैं, उन्हें हटाना चीनी सेना के लिए आसान नहीं है। सरकारी मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स में झलक रही है चीन की बेचैनी। चीन के सरकारी मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स के प्रधान संपादक हू जिन के ट्वीट से भी चीन की बेचैनी झलकती है। उन्होंने ट्वीट किया था, अगर भारतीय सैनिक दक्षिणी पेंगोंग इलाके से नहीं हटते हैं तो चीनी सेना हर मौसम से उनका मुकाबला करने के लिए वहाँ तैनात रहेगी।